गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम सब कंटिन्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 पढ़ेंगे। क्लास 12 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 पढ़ेंगे। इसके पहले कंटिन्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज फोर्थ एक्सरसाइज हो चुका है। इस एक्सरसाइज में हमको डिफ्रेंसिएशन बताना है। तो क्या है, फाइंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जो फंक्शन लिखा गया है इसका डिफरेंशिएशन करना है। इस फंक्शन को अगर y मान लिया गया, ठीक है ना, y मान लिया, आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, हर बोर्ड में कोई भी बोर्ड हो, इस डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन दो क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो देखिए, इसका अगर ये प्रोडक्ट वाले रूल से लगा सकते हैं या टेकिंग लॉग, तो इस एक्सरसाइज में लॉग का यूज करके हमको लगाना है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड क्या हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स। लॉग वाई इज इक्वल टू, अब लॉग जानते हैं लॉग का रूल होता है, जो प्रोडक्ट में रहता है वो प्लस में हो जाता है। जो प्लस लॉग में जो जितने प्रोडक्ट में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो लॉग एम इंटू एन है, ये हो जाएगा लॉग एम प्लस एन हो जाएगा। लॉग में ये एन, अगर प्रोडक्ट के रूप डिवाइड के रूप में लॉग एम बाई एन है, ये हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा। लॉग एम के पावर एन के रूप में है, पावर पहले यानी एन लॉग एम हो जाएगा। इस फॉर्मूले का अगर यूज करें तो क्या हो जाएगा, सब ये प्रोडक्ट में हो, प्रोडक्ट में है तो प्लस हो जाएगा, यानी लॉग कॉस एक्स प्लस में लॉग कॉस टू एक्स प्लस लॉग कॉस थ्री एक्स। अब टेकिंग लॉग, टेकिंग डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई का वन अपॉन वाई, वन अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग के कारण वन अपॉन कॉस एक्स, फिर कॉस के कारण डेरिवेटिव माइनस में साइन एक्स हो जाएगा, फिर प्लस में इस लॉग के कारण क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉस टू एक्स, फिर कॉस टू एक्स का क्या माइनस में साइन टू एक्स हो जाएगा डेरिवेटिव, फिर टू एक्स का फिर से डेरिवेटिव हो जाएगा टू हो जाएगा, फिर प्लस में इस लॉग के कारण वन अपॉन कॉस थ्री एक्स हो जाएगा, फिर कॉस थ्री एक्स का माइनस में साइन थ्री एक्स हो जाएगा, फिर थ्री एक्स का क्या हो जाएगा थ्री बार आ जाएगा। तो यहां से देख रहे हैं, अगर डी वाई ओवर डी एक्स का वैल्यू अगर देखा जाए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वाई यहां से बनेगा क्या, देखिए साइन वाई कॉस लिखा गया है, तो साइन वाई कॉस क्या हो जाएगा माइनस में टेन एक्स, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये टू बाहर दे दें, टू बाहर दे दें, साइन टू एक्स बाई कॉस टू एक्स टेन टू एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ देख रहे हैं माइनस है, यहाँ पे प्लस में थ्री है तो माइनस में थ्री हो जाएगा टेन थ्री एक्स, साइन थ्री एक्स बाई कॉस थ्री एक्स टेन थ्री एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स का क्या वैल्यू होगा, डी वाई ओवर डी एक्स वाई का यहाँ वैल्यू जो ये फर्स्ट इक्वेशन में जो दिया गया है, यहाँ से अगर वाई का वैल्यू रख ली तो वाई की जगह है क्या कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स है, इसको लिख ली। अगर सब में से माइनस कॉमन ले ली, शुरू में ही माइनस लिख ली, तो बचेगा क्या है यहाँ पे टेन एक्स प्लस में टू टेन टू एक्स हो जाएगा, फिर प्लस में थ्री टेन थ्री एक्स हो जाएगा, यही इसके डिफ्रेंसिएशन का वैल्यू, ठीक है ना। आया समझ में, फिर से देख लीजिए, कोई भी अगर प्रोडक्ट में दिया गया दो या दो से अधिक, या तो चेन रूल का यूज कर लीजिए, प्रोडक्ट रूल यूज कर लीजिए, या टेकिंग लॉग, एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिया है हमको लॉग का यूज करके सॉल्व करना है। जितने प्रोडक्ट हैं डिवाइड है या पावर के स्टेप के रूप में, इसलिए लॉग का यूज करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज है। तो लॉग टेकिंग लॉग वो साइड, तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग में ये सब हो जाएगा, और लॉग में जितने भी प्रोडक्ट के रूप में होते हैं वो सेपरेट करके लॉग पॉजिटिव हो जाते हैं, प्लस लगाते चले जाते हैं, तो सब पे अलग अलग से लिख दिए, लॉग कॉस एक्स लॉग कॉस टू एक्स लॉग कॉस थ्री एक्स हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट कर लेंगे लॉग वाई का क्या, वन अपॉन वाई, अब वाई अलग से है इसलिए डी वाई ओवर डी एक्स अलग हो जाएगा, फिर इस लॉग के कारण लॉग में एक पूरा कॉस एक्स है, तो कॉस का जो भी लॉग होता है वन अपॉन में कर लेते हैं, फिर से कॉस का अलग से माइनस साइन एक्स लिख दिए, फिर यहाँ पे लॉग के कारण आया तो प्लस लगा दिए, लॉग के कॉस का वन अपॉन कॉस टू एक्स हो जाएगा, फिर कॉस टू एक्स का क्या हो जाएगा माइनस में साइन टू एक्स, इसको लिख दिए, फिर टू एक्स का डेरिवेटिव फिर से होगा तो टू बार हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस प्लस लगा दिए, लॉग कॉस थ्री एक्स है तो
लॉग की टर्म हुआ पर cos 3x हो जाएगा, cos 3x का माइनस में sin 3x हो जाएगा और 3x का 3 और हो जाएगा। तो यहां से 1 upon y जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, यहां y हो जाएगा, अब sin y cos tan हो जाएगा, माइनस से माइनस लिख दिए, यहां भी माइनस में अब 2 है तो माइनस पहले sin 2x / cos 2x से tan 2x हो जाएगा, यहां भी माइनस 3 पहले लिख दिए हैं sin 3x / cos 3x से tan 3x हो जाएगा, यहां से माइनस बाहर ले लिए हैं और y का फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू रख ली है, ठीक है, वैसे टोटल उतार। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रोक करके फिर से एक दो बार तीन बार देखने के आ जाएगा, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका भी डेरिवेटिव करना, डिफरेंशिएशन करना, अवकलन करना, तो इसको भी मान लीजिए अगर वाई, तो अवकलन देखिए अवकलन करने के लिए लॉग का यूज कहां कहां करते हैं, अगर गुणे में हो, दो या दो से अधिक गुणे के रूप में हो, बटे के रूप में, अंडर रूट के अंडर रूट में हो, या फिर पावर के पावर में हो, तो लॉग का यूज करते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है सॉल्व करने में। अब यहां से देखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड अगर कर दे तो लॉग वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग अंडर रूट में जैसे लिखा हो उसको लिख दें x माइनस वन x माइनस टू ओवर में x माइनस थ्री x माइनस फोर x माइनस फाइव होता है। अब लॉग में ये जो अंडर रूट लग रहा है, अंडर रूट कोई चीज अगर अंडर रूट में लग रहा है, कुछ भी लिखा गया, मान लीजिए अंडर रूट में अगर x लिखा है, इसका मतलब x के पावर में 1 बाय 2, उसके पावर 1 बाय 2 होता है। अब जब पावर ये बता रहे हैं कि पावर पहले आ जाता है, यानी लॉग y हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग में मैं नोट लिखते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 ओवर में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 के पावर क्या हो जाएगा, अब इस टोटल के पावर कितना हो जाएगा, 1 बाय 2 पावर हो जाएगा, 1 बटे 2 घात हो जाएगा। अब लॉग का रूल यही तो बताएं कि जो घात होगा वो पहले ला देते हैं, इसका पहले ला देंगे तो वो क्या जाएगा, लॉग y इक्वल टू ये घात पहले आ जाएगा, 1 बाय 2 हो जाएगा। अब क्या बनेगा, देखिए लॉग जो जो प्रोडक्ट के रूप में लिया उसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो यहां से जो ऊपर लिखा गया है गुणे के रूप में हो जाएगा लॉग x माइनस 1 और प्लस में लॉग हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट के रूप में है तो प्लस हो जाएगा, जो डिवाइड में है जो बटे के रूप में दिया गया वहां पे माइनस हो जाएगा, क्या लॉग x माइनस 3 हो जाएगा, माइनस में लॉग में x माइनस 4 हो जाएगा, माइनस में लॉग में x माइनस 5, ठीक है ना, जो भी डिवाइड में लिखा गया वो सब माइनस लगा देंगे लॉग में और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अगर तो यहां से अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, अब लैंग्वेज लिख नहीं रहे हैं पेपर में, आप लोग लिख लेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लॉग y का क्या होता है, 1 अपॉन y, जो लोग इसके पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं अवश्य देख ले, क्योंकि ये कंप्लीट वीडियो दिए हैं जो डिफरेंशिएशन का टोटल फार्मूला, कंप्लीट फार्मूला दिए हैं तो उसको देख लीजिए, उसमें कंप्लीट डिफरेंशिएशन फार्मूला दिए, वो डालेंगे आ जाएगा, उसको देख लीजिए टोटल फार्मूला मिल जाएगा। तो उसी फार्मूले लॉग y का 1 अपॉन y होता है डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन y dy ओवर dx हो जाएगा, फिर इज इक्वल टू 1 / 2 कांस्टेंट r हो जाएगा, लॉग के कारण हमेशा 1 / 2 हो जाएगा, 1 अपॉन x - 1 और x का 1 और - 1 का 0, वो अंतर नहीं आएगा वही रह जाएगा, फिर प्लस में इस लॉग के कारण क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x - 2 हो जाएगा, फिर x का 1, फिर माइनस में लॉग के कारण क्या, 1 अपॉन x माइनस 3, फिर x का 1, 3 का 0 लिखे जाने लिखे, फिर यहाँ भी लॉग के कारण 1 अपॉन x माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ भी 1 अपॉन x माइनस 5, लॉग के कारण जो भी होगा 1 अपॉन में आ जाएगा। अब देखिए इसको अगर उधर भेज दे तो dy ओवर dx क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाय 2 है ही, और y मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो y हो जाएगा इज इक्वल टू क्या बना, 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस में 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5 हो जाएगा। वो सब था कोई कुछ नहीं थी, वो सब था थी। अब अगला अगर देखिए dy ओवर dx का क्या वैल्यू हो जाएगा, इज इक्वल टू y, y का जो वैल्यू यहां पर भी इक्वेशन में जो भी y लिखा गया वहां से उतार देंगे, यानी है क्या अंडर रूट, यानी 1 बाय 2 अंडर रूट में जैसे भी लिखा गया टोटल वैसे निकाल लेंगे, x माइनस 1 x माइनस 2 ओवर में x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, इस तरीके से हो जाएगा।
जो भी लिखा गया क्वेश्चन है वो सिद्धा जी वाई का वैल्यू हित माना गया था। ये मामले हैं पास से मान लेंगे, वाई कुछ भी मान सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपन में वाई ही माना जाता है, तो वाई मान लिए और यहाँ से वाई का वैल्यू रख ली। बाकी जो ये लिखा गया आया है उसको उतार दीजिए, वन अपान एक्स माइनस वन प्लस वन अपान एक्स माइनस टू माइनस वन अपान एक्स माइनस थ्री माइनस वन अपान एक्स माइनस फोर माइनस वन अपान एक्स माइनस फाइव। ठीक है स्टूडेंट, जो भी था टोटल का टोटल उतार दीजिए। था फिर से एक बार देख लीजिए, जो भी अगर अंडर रूट में दिया गया उसको लॉग बुक साइड लॉग में लिख ली, लॉग में लिख लिया, अब इसके पावर वन बाई टू था पावर पहले लगा दिए, जो भी प्रोडक्ट होगा सब प्लस में लगा देंगे और जो डिवाइड में सब माइनस में लगा देंगे, माइनस लगा दिए उसको डेरिवेटिव कर लेंगे, लॉग के कारण वन अपान सबका वन अपान कर लीजिए, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाई का वैल्यू लगाएंगे। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को समझ में। अब स्टूडेंट देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉग एक्स के पावर एक्स, तो सबसे पहले इसको मान लीजिए वाई, इसको y इज इक्वल टू मान लीजिए। अब पावर के पावर अगर फंक्शन के पावर फंक्शन अगर दिया गया है तो वहां बिना लॉग का लगेगा नहीं, लेकिन लॉग को सही लॉग ले लेंगे क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग फिर लॉग x के पावर में cos x। ठीक है ना, एक लॉग लॉग ले एक लॉग को सही दोनों तरफ लॉग लेने पर ये नहीं ले लिए और एक लॉग पहले से उसके द्वारा। अब यहां से बनेगा क्या, लॉग y इज इक्वल टू ये लाग में जो भी होता है फार्मूला बताया है ना, लाग पावर में जब रहेगा पावर पहले आ जाएगा, वही कास एक्स पहले आ जाएगा, यानी कास एक्स लाग में लाग एक्स हो जाएगा इस तरीके से। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसीलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलते हैं ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है ना, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब अवकलन कर लीजिए लॉग वाई का वन अपान वाई अभी पता है वन अपान वाई होगा और वाई का डीवाई बटे एक्स फिर से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट बन रहा है, दो दो फंक्शन बन रहा है, एक कॉस एक्स का अलग और इसका अलग है। ठीक है ना, इसका अलग है, तब यहाँ पे प्रोडक्ट का रूल लगा लीजिए, पहले फंक्शन को छोड़ दिए दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को छोड़ दिए पहले का डेरिवेटिव, ये तो बताया था पिछले लेक्चर में, तो वही रूल लगा दीजिए, पहले फंक्शन को छोड़ दिए यानी cos x को इसे लिख दिए, छोड़ने का मतलब लिखना है यानी हटा दीजिए, cos x को इसे उतार लिए, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे यहां से देख लीजिए log log x इसका डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा, एक बार इस log के कारण पहले log के कारण वन अपान में वन अपान log x हो जाएगा, इस log के कारण ये पूरा डिवाइड, फिर इस log के कारण क्या हो जाएगा वन अपान x हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे cos x को वैसे उतार के इस लॉग के कारण करेंगे तो क्या हो जाएगा वन अपान लॉग x हो जाएगा इस तरीके से, और फिर लॉग x के कारण वन अपान x हो जाएगा प्लस में, और फिर इसको छोड़ दीजिए लॉग लॉग x को छोड़ दीजिए अगर, फिर क्या हो जाएगा cos के कारण माइनस में sin x माइनस sin x। अब डायरेक्ट माइनस नहीं लगाएंगे, जहां माइनस हो जाएगा वहां पे माइनस ब्रेकअप लगाकर माइनस लिखेंगे, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है ना, कभी आप लोग ऐसा मत करिएगा ये ऐसे लिखिए, ठीक है ना, ऐसा मत लिखिएगा ना ज्यादा बजे ये अलग ये अलग है, अगर यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे इसका मतलब ये सभी एक में ही है। ठीक है ना, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स का क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा वाई, यहाँ से क्या माना कॉस एक्स ओवर में एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, एक्स पहले लॉग एक्स लिख दिए हैं, फिर माइनस में यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, साइन एक्स इंटू लॉग लॉग एक्स है तो माइनस पहले लिख दिए हैं साइन एक्स और लॉग लॉग एक्स लिख दिए हैं, ब्रैकेट क्लोज कर दे। अब क्या बनेगा, यहां से डी वाई ओवर डी एक्स का वैल्यू, अगर वाई का यहां से वैल्यू लिख लें, वाई का वैल्यू जो अगर फर्स्ट इक्वेशन मान लिया गया है तो पुटिंग द वैल्यू आप वाई इक्वेशन फर्स्ट से यहां से वैल्यू अगर रख दें तब क्या हो जाएगा लॉग एक्स के पावर में कॉस एक्स, फिर ब्रेकेट में बनेगा कॉस एक्स ओवर एक्स लॉग एक्स माइनस में साइन लॉग लॉग एक्स। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे एक्स होना चाहिए साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स लॉग लॉग एक्स। ठीक है, आगे आओगे समझ में, नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी अगर y मान लिया जाए y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2 के पावर sin x है, इसका डिफरेंशिएट करना है
तो इसको डायरेक्ट हो जाएगा, लाग लगे की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट भी हो जाएगा। कैसे देखिए, वाई डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या पावर, पहले पावर में से एक माइनस यानी टू एक्स हो जाएगा, और पावर में से एक माइनस करेंगे वन यानी टू एक्स बचेगा माइनस में। अब यहाँ भी फार्मूला बता चुके हैं ना, ए की पावर एक्स अगर दिया गया तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स लॉग ए हो जाएगा, वही फार्मूला लगा दिए एक बार, टू के पावर साइन का फार्मूला लगा दिए, टू के पावर क्या साइन एक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ बता रहे हैं ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स और लॉग ए अलग अलग होता है, तो यहाँ से हो जाएगा लॉग टू हो जाएगा, ठीक है, लॉग टू या लॉग टू दोनों का कहा जाता है, तो लॉग टू हो गया। फिर से साइन के कारण डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, तो यहाँ से dy ओवर dx का क्या वैल्यू बना, dy ओवर dx का वैल्यू 2x माइनस 2 के पावर sin x इनटू log 2 इनटू cos x, चाहे पहले जैसे हम लिख दीजिए बाद में ही लिख दे रहे हैं cos x, ठीक है, यही इसका आंसर, नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट देखिए 5 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, y = x + 3 पावर 2, x + 4 के पावर 3, x + 5 के पावर 4, इसका हमको क्या करना है, डेरिवेटिव करना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो अब ये प्रोडक्ट के रूप में, पावर के रूप में कही हो तो बिना लॉग का लगेगा नहीं, टेकिंग लॉग बोथ साइड दोनों तरफ का, लॉग लेने पर लॉग वाई बराबर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर, एक्स प्लस फोर का क्यूब, एक्स प्लस फाइव का पावर फोर हो जाएगा। अब यहां से हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू, अब लॉग में जो भी प्रोडक्ट में दिया गया वही बताएं, जो प्रोडक्ट होगा प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा क्या, लॉग एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस में लॉग एक्स प्लस फोर के पावर में थ्री प्लस में लॉग में एक्स प्लस फाइव के पावर फोर हो जाएगा, ठीक है, आगे होगा समझ में, कि जितने प्रोडक्ट होंगे सब प्लस हो जाएंगे। यहाँ से लॉग वाई इक्वल टू हो जाएगा जो पावर है पहले, यानी टू लॉग एक्स प्लस थ्री हो गया है प्लस में थ्री लॉग एक्स प्लस फोर हो जाएगा प्लस में फोर लॉग एक्स प्लस फाइव हो जाएगा, इस तरीके से पावर पहले कर ली। अब टेकिंग डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करिए लॉग वाई का क्या होगा, अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, दो हो जाएगा लॉग के कारण अपॉन यानी टू वाई क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस थ्री, ये हो जाएगा टू इंटू, ऐसा लिख सकते हैं ना, टू का पार और लॉग का वन पार भी जो भी रहा होगा, फिर एक्स का मान लिखो या ना लिखो, फिर यहाँ पे थ्री हो जाएगा, इस तरीके से लॉग का क्या वन पार में एक्स प्लस फोर हो जाएगा, फिर से एक्स का वन हो जाएगा, कोई अंतर नहीं आया, फिर प्लस में फोर इंटू वन पार लॉग के कारण वन पार में यानी एक्स प्लस फाइव हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, कोई अंतर नहीं आया। अब क्या स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, लॉग टू हो गया है, लॉग के कारण वन अपान होना चाहिए यानी लॉग ये नहीं होगा, ठीक है ना, वन अपान होना चाहिए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, डी वाई ओवर डी एक्स क्या क्या बनेगा, इधर वाई जाएगा वाई, अब यहाँ टू ओवर में एक्स प्लस थ्री ओवर एक्स प्लस फोर हो जाएगा प्लस में फोर ओवर एक्स प्लस फाइव हो जाएगा, ठीक है ना, वैसे उतार दिए हैं। अब वाई का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से अगर रखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक से वाई का मान यहाँ रख लीजिए, क्या बनेगा, वाई का वैल्यू यहाँ दिया है एक्स प्लस थ्री के पावर में टू, एक्स प्लस फोर के पावर थ्री, एक्स प्लस फाइव के पावर में फोर, ये हो जाएगा वाई की जगह, और टोटल वैसे उतार दीजिए टू बाई एक्स प्लस थ्री प्लस में थ्री बाई एक्स प्लस फोर प्लस में फोर बाई एक्स प्लस फाइव, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर बाद में नोट कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट देखिए सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर इसको y मान लिया गया, y इक्वल टू x प्लस वन ओवर x के पावर x प्लस में x के पावर वन प्लस वन ओवर x, इसका डिफरेंशिएट करना अवकलन करना, इसको दो पार्ट में मान लीजिए। देखिए यहाँ फंक्शन के पावर फंक्शन प्लस लगा है, अगर प्रोडक्ट होता डिवाइड होता तो डायरेक्ट लॉग ले लेते, अब ऐसा नहीं है तो इसको मान लीजिए फिर से ले लीजिए, अगेन लेट x प्लस वन ओवर x के पावर में x की जगह y वन एंड x के पावर वन प्लस वन ओवर x इसकी जगह पे y टू मान लीजिए, ठीक है। अब टेकिंग लॉग इसमें y वन हो जाएगा लॉग y वन इज इक्वल टू लॉग x प्लस वन ओवर x के पावर x हो जाएगा,
अब ये हो जाएगा लॉग वाई वन इक्वल टू पावर पहले यानी एक्स लॉग एक्स प्लस वन ओवर एक्स, ठीक है ना, या एक्स के पावर माइनस वन, इस तरीके से वन ओवर एक्स का मतलब एक्स के पावर माइनस। अब डिफरेंशिएट करिए वन ओवर वाई वन डी वाई, इसका क्या लॉग वाई वन का वन ओवर वाई वन डी वाई वन ओवर डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे दो दो फंक्शन है, ठीक है, एक्स को छोड़ दिए, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन ओवर टोटल में डिवाइड में एक्स प्लस एक्स के पावर वन, ठीक है, पहले फंक्शन प्रोडक्ट करो, पहले फंक्शन को छोड़कर दूसरे यानी पहले को सत्ता लीजिए जो सेकंड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग के पावर वन अपॉन हो जाएगा, फिर इसके अंदर एक्स का डेरिवेटिव वन हो जाएगा, फिर एक्स के पावर माइनस वन है तो माइनस पहले हो जाएगा, एक्स के पावर माइनस वन माइनस वन और माइनस टू हो जाएगा, ठीक है ना, पावर पहले पावर में से माइनस कर लेंगे, फिर क्या बनेगा प्लस में बनेगा, दूसरे फंक्शन को छोड़ दीजिए यानी ये लॉग में एक्स प्लस एक्स के पावर माइनस वन को छोड़ दीजिए, इस एक्स का डिफरेंशिएट वन हो जाएगा। अब यहाँ से डी वाई वन ओवर डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए वाई वन, अब यहाँ से बनेगा क्या देखिए एक्स, ठीक है, और यहाँ वन माइनस में एक्स स्क्वायर वन ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस टाइप में डिवाइड में क्या बनेगा यहाँ पे एक्स है, एक्स के माइनस वन का मतलब है क्या प्लस में वन ओवर एक्स हो जाएगा, इस तरीके से इसकी जगह की ये इतना होगा, ठीक है ना, एक्स लिख दिए वन माइनस एक्स के पावर माइनस टू है तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में एक्स प्लस में एक्स के पावर माइनस वन का मतलब वन ओवर एक्स हो जाएगा, फिर प्लस में लॉग में एक्स प्लस वन ओवर एक्स हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहां से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से y1 का वैल्यू अगर रख लीजिए, y1 ये माना गया x प्लस वन ओवर x के पावर में क्या हो जाएगा x, इसको लिख लीजिए भाई बनेगा क्या यहाँ पे ये x है, ठीक है, x है या इसका एलसीएम ले लीजिए क्या हो जाएगा यहाँ से x स्क्वायर माइनस वन ओवर x स्क्वायर डिवाइड में, इसमें भी अगर एलसीएम ले लेंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वन ओवर में क्या बनेगा x बनेगा, ठीक है ना, ओवर एक्स बचेगा, फिर प्लस में क्या बनेगा लॉग में एक्स प्लस वन ओवर एक्स हो जाएगा। अब यहां से देख रहे हैं कि एक्स ये कैंसिल हो जाएगा तो अब बनेगा क्या, यहां लिख दें इसके बाद का स्टेप अगर यहां लिख दें तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन ओवर एक्स के पावर में क्या हो जाएगा, इसके पावर में हो जाएगा एक्स, ठीक है, एक्स प्लस वन ओवर एक्स के पावर एक्स हो जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन बना डिवाइड में एक्स है, फिर डिवाइड के डिवाइड ये डिवाइड ऊपर चला जाएगा यानी एक्स ओवर में क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बनेगा, और क्या बना प्लस में लॉग एक्स प्लस वन ओवर एक्स हो जाए, ठीक है, यहां से अगर ये इसे कैंसिल हो जाए, ठीक है ना, इसको क्या अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन ये हो यहाँ से यह सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, अब इसको इरेज करके यहाँ हमको फिर से लगाना लंबा क्वेश्चन है। अब देखिए सेकंड जो y2 है y2 को देख लीजिए किस तरीके से y2 इज इक्वल टू क्या है x के पावर 1 प्लस 1 ओवर x है, टेकिंग लॉग को साइड लॉग y2 का वैल्यू क्या हो जाए, बड़े जल्दी लिख दे रहे हैं ये स्टेप लिख करके लाइन जल्दी कर दे रहे हैं, क्या बनेगा लॉग बनेगा या लिखी थी लॉग में क्या हो जाएगा एक्स के पावर में वन प्लस वन ओवर एक्स हो जाएगा, अब ये बनेगा पावर पहले आ जाएगा यानी वन प्लस वन ओवर एक्स हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ दो फंक्शन का की तरह डेरिवेटिव लॉग वाई टू का वैल्यू माना पान वाई टू डी वाई टू ओवर डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पहले फंक्शन को छोड़ दू वन ओवर वन प्लस ओवर एक्स को छोड़ दिए लॉग एक्स का क्या हो जाएगा वन ओवर एक्स प्लस में लॉग एक्स को छोड़ दिए, अब वन का क्या बनेगा वन का क्या जीरो हो जाएगा, फिर प्लस में इसका क्या बनेगा अभी इस टाइप का पता है ना यही था एक्स इनवर्स का, या फिर यही पे अगर इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे एक्स के पावर माइनस वन, इसको इसका अगर यूज करेंगे माइनस पहले हो जाएगा वन और एक्स के पावर माइनस वन तो माइनस के टू हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो हो जाएगा, फिर यहाँ से डी वाई टू ओवर डी एक्स का जो वैल्यू बनेगा क्या बनेगा वाई टू, और यहाँ से क्या बना इसका अगर एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन ओवर में एक्स यहाँ से और वन ओवर एक्स यहाँ से हो जाएगा, प्लस में क्या बनेगा यहाँ से लॉग एक्स है
ये लॉग एक्स है और इनटू क्या बनेगा, लॉग एक्स है ना, लॉग एक्स के बाद क्या बन रहा, माइनस है, माइनस में वन ऊपर एक्स स्क्वायर है। इस तरीके से अब डी वाई टू ओवर डी वाई टू ओवर डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई टू का वैल्यू यहां से रख लीजिए, एक्स के पावर में वन प्लस वन ओवर एक्स, और क्या बनेगा यहां से मिलकर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन ऊपर एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में लॉग एक्स, ठीक है ना, लॉग एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, यानी टोटल का टोटल एक्स स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। ये वाई टू हो गया, सेकंड है या थर्ड है, ठीक है, टोटल बनेगा कैसे, अब देखिए टोटल लिखा कैसे गया है, अगर इसको वाई वन हो तो यहां से देखिए, ये अलग से यहां समझा दे रहे हैं कि अगर y इज इक्वल टू इस इतने की जगह y1 माना गया, y1 हो गया, इतने की जगह क्या माना गया, y2 माना गया, तो प्लस में y2 हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट करेंगे dy ओवर dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dy1 ओवर dx प्लस में dy2 ओवर dx हो जाएगा, ये तो बनेगा, दोनों का डेरिवेटिव खत्म करना है, तो यहां से सेकंड और थर्ड को दोनों को ऐड करना है, मतलब में dy ओवर dx का जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए जो dy ओवर dx1, dy1 ओवर dx, ये इक्वेशन है, इसको पहले और फिर इसको ऐड करना है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, x प्लस 1 ओवर x के पावर में x, और क्या बना, ये बन रहा है x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1, प्लस में क्या बना है, लॉग में x प्लस 1 ओवर x है, ये हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस इसको जोड़ना है ना दोनों को, इसको जोड़ दीजिए, यानी प्लस लगा दीजिए, x के पावर 1 प्लस 1 ओवर x हो जाएगा, फिर यहाँ पे बनेगा x प्लस 1 माइनस में लॉग x ओवर में x स्क्वायर, ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, यहां से लेकर ये क्या है इसका आंसर है, इस तरीके से। अब देखिए स्टूडेंट सेवन क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर y इक्वल टू इसको भी मान लिया गया तो x के पावर x, ये भी दो दो फंक्शन है, यहां अलग से मानना पड़ेगा, लेट y1 इक्वल टू लॉग x के पावर x है एंड y2 इज इक्वल टू x के पावर लॉग x हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहां से बन क्या जाएगा, जो y बनेगा y इक्वल टू y1 प्लस y2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव अगर करेंगे x के रिस्पेक्ट में dy ओवर dx इज इक्वल टू dy1 ओवर dx और प्लस में dy2 ओवर dx, इसी रूप में हमको आंसर चाहिए, सेकंड इक्वेशन हो जाए या फर्स्ट इक्वेशन हो जाए, ठीक है, इसी रूप में हमको आंसर चाहिए, इसी के रूप में आंसर हमको दिखाना है। तो y1 माना क्या गया है, y1 माना गया लॉग में x के पावर x माना गया है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, बिना लॉग का नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन के पावर फंक्शन में है, लॉग लेना पड़ेगा, तो लॉग y1 इज इक्वल टू लॉग लॉग x, इस तरीके से एक लॉग लॉग लेने के कारण एक लॉग पहले से है, अब यहां से लॉग y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर पहले हो जाएगा, यानी x log और log x हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से डेरिवेटिव अगर कर लेंगे y1 log y1 का 1 upon y1 dy1 over dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां देखिए दो फंक्शन है, पहले भी छोड़ दिए इसका डेरिवेटिव, एक बार इस log के कारण 1 upon क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, फिर इस log के कारण क्या हो जाएगा, 1 over x हो जाएगा, लेकिन पहले भी छोड़ दिए log के कारण 1 upon में जो भी log रहा होगा, फिर log इस log के कारण 1 upon x हो जाएगा, फिर प्लस में लगा देंगे, अब यहाँ पे लाग लाग एक्स को छोड़ दीजिए, फिर एक्स का वन हो जाएगा, कोई अंतर नहीं, यहाँ से डी वाई वन ओवर डी एक्स का क्या वैल्यू हो जाएगा, ये इधर जाएगा वाई वन हो जाएगा, अब यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वन ओवर लाग एक्स प्लस में लाग लाग एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ वाई वन का अगर वैल्यू रख दी, वाई वन की जगह क्या माना गया, लाग एक्स के पावर, लाग एक्स के पावर में एक्स है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या बन रहा है, ये स्टेप है, वन ओवर लॉग एक्स, फिर प्लस में लॉग लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। फिर इसी तरीके से अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या वाई टू, वाई टू क्या माना गया, वाई टू इक्वल टू एक्स के पावर लॉग एक्स है, यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग वाई टू इक्वल टू हो जाएगा लॉग में एक्स के पावर लॉग एक्स हो जाएगा, यहाँ log y2 इज इक्वल टू ये log पहले आ जाएगा, log x इंटू log x ये रहेगा ही, ठीक है ना, इस पूरे इसके पावर में लॉग है ना, पावर पहले आ जाएगा, log x बचेगा,
फिर क्या बनेगा, log y2 का 1 upon y2 dy2 over dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस log के कारण क्या हो जाएगा, पहले log x को छोड़ दीजिए, इस log x को छोड़ दीजिए, इस log के कारण 1 upon x प्लस इस log को छोड़ दीजिए, अब इस वाले log को छोड़ दीजिए, इस log का 1 upon x हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से dy2 over dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ग्राफ में डिपेंड log x by x, log x by x हो जाएगा 2 log x by x हो जाएगा, इस तरीके से log x by x, यहां भी log x by x, 2 log x by x होगा, ये x होगा। अब dy2 over dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, y2 का यहां से वैल्यू x के पावर log x है, और उसको पहले लिख लीजिए log x by x हो जाएगा, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया, तीनों ये दोनों को सम कर लीजिए, क्योंकि सेकंड इक्वेशन में dy over dx चाहिए, तो dy over dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड कर लीजिए थर्ड फॉर्म में, यही तो dy पर यहां से लिखा गया क्या है, log x के पावर 2 है, वो है फिर 1 over log x प्लस में log log x है, ये हो गया है, फिर प्लस में इसको ऐड कर लीजिए 2x के पावर में log x into log x by x, ठीक है, ये इसका आंसर। तो देख लीजिए स्टूडेंट, फिर से इसको y1 माने हैं इसका डेरिवेटिव, और इसको y2 माने हैं यहां रख लेते, ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। अब जब इसका डेरिवेटिव अगर करेंगे तो log लेते हैं, बिना log का अधिकार है, लेकिन log को साइड, तो log में पावर पहले आ जाएगा, और ये लिख दिए, अब डेरिवेटिव 1 upon y1 dy1 over dx is equal to x को छोड़ दिए, log log के कारण, एक log के कारण log में क्या 1 upon log x, फिर इस log के कारण 1 upon x हो जाएगा, फिर प्लस में log log x को छोड़ दिए, x का मान हो जाएगा, अब इस x से कैंसिल हो जाएगा, dy1 over dx का वैल्यू तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब क्या बनेगा, यहां से 1 over log x प्लस log log x हो जाएगा इज इक्वल टू y1 का, अगर यहां से वैल्यू रखेंगे log x के पावर x है, ये देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा गलती हो गया, x के पावर x हो जाएगा, और बाकी उसे उतार लीजिए, सेम उसी तरीके से यहाँ भी है, यहाँ जब जो ये y2 माना गया है इसका भी लाग ले लीजिए, लाग लेने पावर पहले आ जाएगा, चाहे स्क्वायर कर लीजिए या प्रोडक्ट का रूप लगा लीजिए, इस लाग को छोड़कर इस लाग के कारण 1 upon x प्लस में लगा दीजिए, इस लाग को छोड़कर इसका 1 upon x, ये देखेंगे 2 log x by x हो जाएगा, और y2 का क्रॉस मल्टीप्लाई y2 का वैल्यू रख दिए, ये इक्वेशन ये और ये इक्वेशन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए x का ये भी क्या हो जाएगा, x ही होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है ना। आई होप आप हमको समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दो तीन बार चार बार देख लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना, ठीक है।